नमस्ते आप सभी योग का स्वागत करता हूँ सी सी गुरुकुल के योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में हम प्राणायाम की श्रृंखला पे काम कर रहे हैं इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे घृण संहिता के प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण चूंकि घृण संहिता हठ योग का एक अनुपम ग्रंथ है जितने भी योग के कोर्स कहें या जितने भी योग की शिक्षाएं कहें या जितने भी योग के एग्जाम होते हैं उन सब में घरण संहिता को मुख्य तौर पर रखा गया है माने कहें कि घृण संहिता हठ योग के ग्रंथों में बहुत ही अग्रण्य स्थान रखता है बिना घृण संहिता के कोई भी डिप्लोमा डिग्री मास्टर डिग्री कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि इसकी जो योग का जो अंग है इसके जो सप्तांग योग है जिसको घटस्थ योग भी कहा है उसमें इतनी वैरायटी है इतना सारा नॉलेज है इतना सारा ज्ञान का भंडार है उसमें कि कहीं ना कहीं कहीं भी आप बात करें योग की चाहे वो षठकर्म की बात करें चाहे वो आसन की बात करें चाहे वो प्राणायाम की बात करें चाहे मुद्राओं की बात करें प्रत्याहार की बात करें ध्यान की विधियों की बात करें या हम समाधि की बात करें तो कहीं ना कहीं आप घृण संहिता को उसमें सम्मिलित करेंगे ही करेंगे इसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है महर्षि घृण के द्वारा लिखा गया है तो इसमें सबसे पहले हम घृण संहिता के सामान्य परिचय को जानेंगे सामान्य परिचय के बाद हम जानेंगे कि प्रणायाम करने से पहले किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से स्थान कैसा होना चाहिए माने जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं प्रारंभिक काल में तो वो स्थान कैसा होना चाहिए ये हमें निर्धारित करना है स्थान के बाद समय कैसा हो माने मौसम यानी कि ऋतु कैसी हो किस ऋतु में हमें प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए और किस ऋतु में हमें अभ्यास नहीं शुरू करना चाहिए आरंभ नहीं करना चाहिए उस पर हम जानेंगे उसके बाद आ, किस प्रकार के आसन पे बैठ के हमें करना चाहिए आहार की क्या उपयोगिता है उसके बाद नाड़ी शुद्धि की क्या उपयोगिता है देन हम जानेंगे कि जो घृण समयता के जो अष्ट कुंभक हैं आठ जो प्राणायाम कहे गए हैं उनका वैज्ञानिक तरीका क्या क्या है किस प्रकार से उनको करना चाहिए उसमें किस प्रकार की सावधानी हम रखें विधि किस प्रकार की है और किस प्रकार के उसके लाभ हमें प्राप्त होते हैं इन सब चीजों को विस्तृत रूप से इस व्याख्यान में जानने का प्रयास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब के सबसे पहले घृण संहिता का सामान्य परिचय हम जान लेते हैं सामान्य परिचय में हम बात करें घृण संहिता के रचनाकार कौन है जैसे नाम से ही विदित होता है कि महर्षि घिरण इसके रचनाकार हैं इसके रचयिता महर्षि घृण हैं जो कि जी उन्हीं के नाम पे इसका नाम घृण संहिता रखा गया है तो घृण संहिता के रचनाकार हो गए घृण संहिता का काल बहुत सारे व्यक्ति पूछ रहे हैं तो घृण संहिता के काल के विषय में बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं अपने लेकिन यदि सर्वमान्य मत कहें तो सोलहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी के मध्य के इस काल को घृण संहिता का काल कहा गया माने जो घृण संहिता की रचना हुई है वो सोलहवीं शताब्दी से लेकर के सत्रहवीं शताब्दी के बीच के काल में हुई है अब यहाँ पे जब लगभग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें कभी भी हम एक फिक्स डिजिट नहीं दे सकते कि 1650 सौ ईस्वी में या 1650 सौ ईस्वी में या 1620 सौ ईस्वी में या 1702 सो ईस्वी में ऐसा कोई पर्टिकुलर फिगर हमारे पास नहीं है और किसी के पास भी नहीं है तो ये लगभग में है क्योंकि उस समय पे कोई ऐसी हमें कोई पांडुलिपि या ऐसा कोई हमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये एग्जैक्ट उस समय पर महर्षि घृण पैदा हुए और इस उम्र में जाकर के उन्होंने लिखा तो ये लगभग में चलेगा तो अनुमानित होता है तो जितने भी भारत के प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं 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 जितने भी जो जो प्रमुख इंस्टीट्यूट योग योग के या या यूनिवर्सिटीज यो के क्षेत्र में जो ऋषि और आज के जो आचार्य जो लोग काम कर रहे हैं उन सब का जो सर्वमान्य रचना काल इसका माना जाता है उनके अनुसार वो सोलवी शताब्दी से लेकर के सत्रहवीं शताब्दी के मध्य का इसको माना जाता है तो ये इसका एक, एक रचना का काल है कि इस समय में महर्षि घृण ने घृण संहिता की रचना की इसमें आता कि किस प्रकार के योग की बात की है तो यदि हम कहें कि सप्तांग योग तो भी अपने आप साबित होता है कि ये महर्षि घेण की घेण समेता की बात कर रहे हैं सप्तांग योग माने घेण समेता का योग इसको हम घटस्थ योग भी कहते हैं अब घटस्थ योग क्यों कहते हैं क्योंकि शरीर को महर्षि पतंजलि ने घटे घड़े के रूप में माना है कि जैसे कच्चा घड़ा होता है वो उसमें पानी यदि हम डालेंगे तो पानी ठहरेगा नहीं कुछ समय बाद वो पानी से कच्चा जो घड़ा है वो गल करके टूट जाएगा फूट जाएगा और पानी उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा इसी प्रकार का कि जो हमारा जो शरीर है वो अभी उपयुक्त नहीं है प्राणों को स्थिर रखने के लिए प्राणों को स्थिर रखना है यानी कि जीवन को बनाए रखना है तो उसके लिए जो कच्चा जो घड़ा है इसको पकाना है और पकाने के लिए सप्तांग योग जैसी जो भट्टी है उसका प्रयोग हमें करना है माने सप्तांग योग के माध्यम से हम अपने शरीर घट यूपी, श, रूपी शरीर शरीर रूपी रूपी को को घड़े अग्नि में पकाकर तपाकर उसको मजबूत बनाते हैं जिस प्रकार एक कुम्हार अपने जो कच्चे घड़े होते हैं उनको अपने जो उनका अग्नि में दबा करके चारों तरफ से उपले लगा करके उसमें आग जला देता है ताकि वो भट्ठे में धीरे धीरे वो गर्म होकर के पक्के हो जाए ताकि उसमें पानी लंबे समय तक स्थिर रह पाए इसीलिए हमारा शरीर लंबे समय तक जीवित जीवित रहे हमारी आयु लंबी हो हम लंबे समय तक जीवन को अपने इस शरीर में बनाए रखें प्राण को सुरक्षित रख सके इसलिए सप्तांग योग को घटस्थ योग भी कहा है यानी कि घड़ कच्चे इस घड़े रूपी शरीर में प्राणों को लंबे समय तक स्थिर रखने की टेक्निक को घटस्थ योग कहा तो कहीं भी घटस्थ योग कहा तो भी सप्तांग योग 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 है योग है तो घटस्त योग है सप्तांग सप्तांग तो और घटस्त योग दोनों घृण संहिता के ही पार्ट है अब सप्तांग योग यानी कि सात अंगों वाला योग जैसे हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि जी की उसमें अष्टांग योग की बात की है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के आठ अंग कहे वैसे ही योग के सात अंगों की चर्चा महर्षि घृण ने की उसमें पहले नंबर पर रखा षटकर्म को दूसरे नंबर पर रखा आसन को तीसरे नंबर पर रखा मुद्रा को चौथे नंबर पर प्रत्याहार नंबर पर प्राणायाम छठे नंबर पर ध्यान व सातवें नंबर पर समाधि इस प्रकार ये सप्तांग योग कंप्लीट होता है तो ये सप्तांग योग महर्षि घृण ने घृण संहिता के माध्यम से कहा सात अध्याय हैं और साथ ही योग के अंग हैं तो सबसे पहले षठकर्म की मान्यता दी दीषकर्म से कहा कि शुद्धि होती है शरीर की आसन से कहा कि दृढ़ता आती है शरीर में मजबूती आती है मुद्राओं से कहा कि स्थिरता प्राप्त होती है प्रत्याहार से कहा कि धैर्य धीरता प्राप्त होती है प्राणायाम से कहा कि लघुता प्राप्त होती है ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है और समाधि से निर्लिप्तता आती है माने निर्लिप्त हो जाता है व्यक्ति समाधि हो जाता है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है तो इस प्रकार सप्तांग योग के सात अंगों सात अध्यायों के माध्यम से सात अंगों में उन्होंने इस प्रकार के लाभों की पुष्टि की है महर्षि घेर ने अब हम जो आज का जो मुख्य विषय है उसके ऊपर आते हैं क्योंकि कोई भी घृण संहिता के प्राणायामों की हम चर्चा कर रहे हैं तो इससे पहले घृण संहिता का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरी है वैसे आप देखेंगे हमारे और भी व्याख्यान हैं जो सी सी के माध्यम से हमने दिए हैं उनमें बहुत चीज़ों में हमने घृण संहिता के सामान्य परिचय को भी दिया है और भी आपको मिल जाएगा लेकिन चूंकि अब घृण संहिता की बात कर रहे हैं बहुत सारे न्यू जो हमारे लिसनर होते हैं उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही मिल जाए तो उनको वो दूसरी चीज खोजने में आसानी रहती है इसलिए हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पे दिया अब हम बात करते हैं कि प्राणायाम तो करेंगे लेकिन प्राणायाम को करने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए किस स्थान पे हम प्राणायाम का अभ्यास करें ये एक बात मैं यहां पे पहले वेरीफाई कर देता हूं कि प्राणायाम के लिए स्थान का चयन में जो हमने कहा कि प्राणायाम हेतु अनुयुक्त अनुपयुक्त स्थान जो है माने कौन से स्थान पे करना चाहिए कौन से स्थान पे नहीं करना चाहिए तो तीन स्थान ऐसे हैं जहां पे हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए और बाकी पे हमें करना चाहिए लेकिन ये अभ्यास शुरुआती दौर के हैं कि मान लीजिए कोई आप अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं आप योग को नहीं जानते और आपको योग का अभ्यास करना है आप प्राणायाम के विषय में नहीं जानते और आज आप प्राणायाम के विषय में आपने सुना किसी आचार्य से जाना आपने सीखा प्राणायाम को करना तो जब आप प्राणायाम को शुरू करते हैं पहली बार किसी प्राणायाम के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं उसके साथ आप अपना अभ्यास शुरू करते हैं तो प्रारंभिक जो समय है वो किस स्थान पर पे बैठ के नहीं करना चाहिए तो कहा दूर देश में नहीं करना चाहिए दूसरा का जंगल में नहीं करना चाहिए तीसरा का बड़े शहर अथवा भीड़ भाड़ वाली जगह पर अभ्यास नहीं करना चाहिए ये अनुपयुक्त स्थान है माने यहां पे अभ्यास करने में नुकसान हो सकता है तो कहा नुकसान होगा तो क्या नुकसान होता है दूर देश में क्यों नहीं करना चाहिए दूर देश में अविश्वास होता है आप जहां हैं आपको उस देश की भौगोलिक स्थिति का नहीं पता उस स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको वहां अविश्वास होगा करने में क्योंकि प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो एकांत स्थान पर बैठ के करते हैं ध्यान मग्न होकर के करते हैं आंखें बंद करके करते हैं आपको उस देश की उस स्थान की ज्योग्राफी का नहीं पता उस देश उस स्थान के विषय में क्या क्या पशु हैं क्या क्या पक्षी हैं किस प्रकार के कीट पतंग रहते हैं किस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है आपको नहीं पता तो इसलिए अविश्वास का भाव रहता है कि यहाँ मैं करूँ तो ठीक रहेगा नहीं रहेगा किस प्रकार के लोग हैं वो एक खतरा रहता है तो इसलिए दूर देश में यानी कि अपने जहां रहने का स्थान है उससे बहुत दूर जाकर के इस प्रकार के अभ्यास को नहीं करना चाहिए शुरुआत नहीं करनी चाहिए लेकिन यदि कर रहे हैं और दूर देश में चले गए तो कर सकते हैं ये अब आप मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूं क्योंकि इसमें वो नहीं करना है कि हमें कि वहां तो कहा कि दूर देश में नहीं करना जी जंगल में नहीं करना मान लीजिए हम जंगल सफारी पे गए हैं या हम आउटिंग पे गए हैं या हम रिट्रीट पे गए हैं या हम छुट्टियां मनाने जंगल में गए हैं तो जंगल में जाके करिए क्योंकि वहां आप इसलिए कर सकते क्योंकि शुरुआत नहीं कर रहे शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी आप छे महीने से साल से दो साल से अभ्यास कर रहे हैं तो जंगल में जाके कर सकते हैं दूर देश में जाके कर सकते हैं बड़े शहर में भी जा करके कर सकते हैं लेकिन शुरुआत बड़े शहर से नहीं करनी शुरुआत जंगल से नहीं करनी शुरुआत दूर देश में नहीं करनी है ये विशेष रूप से ध्यान रखना है अब कहा जंगल में क्यों नहीं करना चाहिए जंगल में यदि अभ्यास करेंगे तो वहां पे खतरा है मतलब वहां पे किसी भी प्रकार के जीव जंतु का आने का खतरा है जंगल में और तरह के बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं तो वहां पे कब कौन सी चीज आ जाए वो नहीं पता क्योंकि जंगल से आप बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं जंगल से आप रूबरू नहीं होते हैं अच्छी तरह से तो दूर देश में अविश्वास का है और जंगल में आपको खतरा रहता है कि कुछ भी हो सकता है कुछ भी घटित हो सकता है वो स्थान सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा का अभाव आपको जंगल में प्राप्त होता है तो जहां असुरक्षा का भाव होगा वहां आप कैसे अभ्यास कर सकते हैं लेकिन यदि पहले से आप कर रहे हैं और आपको उस चीज जंगे का पता है तो अपने अभ्यास को जारी रख सकते हैं लेकिन शुरुआती दौर में आप जंगल में ना करें दूरदेश में ना करें ठीक ऐसे ही जब आप शुरुआत कर रहे हैं और बड़े शहर में रह रहे हैं भीड़ के शहर में रह रहे हैं तो वहां पर अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ जनसंख्या भी वो, वो रहता है कि बहुत सारे लोग आपसे पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तो बड़े शहर में जैसे प्रदर्शनात्मक जो चीज़ें रहती हैं जो जो पब्लिस्ड करते रहते हैं हम एक आपने आजकल एक योग के अलग ही स्वरूप को देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जिसको देखो वहीं खड़े होकर के योग कर रहे हैं कोई नहाते हुए नहर में योग कर रहा है कोई कहीं पे मॉल में गया है तो मॉल की पार्किंग में योग कर रहा है कोई बाइक के ऊपर योग कर रहा है तो ये योग का बिगड़ा हुआ स्वरूप आ गया है हमारे सामने इसको हमने नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड हमें पे करना चाहिए योग के प्रति और ये सीरियसनेस होनी चाहिए और आपका डेडिकेशन होना चाहिए ये डेडिकेशन नहीं सीरियसनेस नहीं है आप अपने जो आपका प्रोफेशन है या जो आपकी साधना है योग की एक साधना पद्धति है योग कोई एक दिखावे की चीज़ नहीं है इसलिए बड़े शहरों में भीड़ भाड़ वाली जगह पर शुरुआत करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वहाँ शुरुआत करने में आपको योग सिद्ध नहीं होता बहुत सारे रोग होने की संभावना प्राय रहती है ये हमें विशेष रूप से बड़े शहरों में ध्यान रखना चाहिए तो जो बड़े शहर हैं या भीड़ भाड़ वाले शहर हैं जहाँ पे आबादी ज्यादा है पोल्यूशन ऑब्वियसली वहाँ ज्यादा होगा शोरगुल ज्यादा होगा तो वहां शुरुआत करने में डिफिकल्टी होती है तो तीन स्थान ऐसे हैं जहां पे शुरुआत नहीं करनी है लेकिन यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो वो अपने अभ्यास को उसके बाद आप शहर में गए दिल्ली गए कोलकाता गए चेन्नई गए मद्रास गए न्यूयॉर्क गए बर्मिंगहम गए जहां भी आप गए और वो भीड़ वाला शहर है तो आप कर सकते हैं लेकिन अपने प्राणायाम के, के अभ्यास की जो शुरुआत है शुरुआती समय हमें इन तीन स्थानों पर शुरुआत करने से बचना है उसके बाद जब हम अभ्यास ऑलरेडी कर रहे हैं हमारा अभ्यास चल रहा है उस अभ्यास को हम निरंतर रख सकते हैं उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा उसमें कोई बहाना आप नहीं बना सकते कि मैं दूर देश में गया था मैं जंगल में गया था या मैं बड़े शहर में एक महीना रह के आया हूँ भीड़ भाड़ वाली जगह थी इसलिए मैंने योग का अभ्यास नहीं किया जैसे बहुत सारे हमारे योग के साथी बनाते हैं जो गाँव में रहते हैं या जिनका अपना घर में दूध होता है तो वो क्या कहते हैं कि देखिए मैं बाहर दूध नहीं पीता तो दूध नहीं पिऊंगा तो मैं व्यायाम भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं बाहर का पैकेट का दूध नहीं पीता हूँ अब सब जगह घर का दूध उपलब्ध नहीं हो सकता लेकिन यदि आप एक दो दिन के लिए आए हैं तो एडजस्ट हो सकता है लेकिन आपको दो महीने चार महीने यदि शहर में रहना है तो आपको दूध भी यहीं से पीना पड़ेगा ये तो है नहीं गाँव से आपके लिए दूध अलग से आ रहा है तो कुछ चीजों को एडजस्ट हमें करना होगा उसमें हम बहाना नहीं बना सकते कि मैं दूध नहीं पी रहा तो मैं अभ्यास नहीं करूंगा प्राणायाम का अभ्यास नहीं घी मेरे पास शहर का है मैं गांव से घी खाता हूं मैं अपने घर का ही घी खाता हूं ये नियमाग्रह कहलाता है इससे हमें बचना चाहिए प्राय तो ये तीन चीज ऐसी है जहां पर हमें जो स्थान है अनु, अनुपयुक्त है ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए शुरुआत यहाँ पे नहीं करनी चाहिए इसके बाद किस स्थान पे करना चाहिए तो प्राणायाम के लिए उपयुक्त स्थान क्या है अच्छा स्थान क्या है जहां पे हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर सकते हैं तो उसके लिए भी चार चीजें बताई सुंदर व मनमोहक स्थान हो जिस स्थान पे हम अभ्यास करें वो बहुत सुंदर भी हो और मनमोहक भी हो जहां पे मन लगे रमणीक स्थान जिसको हम कहते हैं जो एक अच्छा दिखता है अच्छा लगता है जहां पर बैठ करके अच्छा लगता है जिसको देख करके अच्छा लगता है जिसको निहारना अच्छा लगता है तो इसलिए सुंदर व मनमोहक स्थान है ऐसे स्थान पे हमें प्रणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए ताकि हमारा मन प्रसन्न रहे और उस माहौल के हो जाए और हम प्राणायाम में जल्द सिद्धि प्राप्त कर लें दूसरा का कि धार्मिक राज्य हो राजा न्यायकारी हो ये नहीं हो कि जहाँ पे देखिए जहाँ पे हमें रहना कहाँ चाहिए धार्मिक राज्य में रहना चाहिए धार्मिक का मतलब ये कभी नहीं है जो हम पंथ जो होते हैं जो हमने पंथ बना रखे हैं वो पंथ से अर्थात धर्म का नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे पंथ हैं ये धर्म नहीं कह सकते धर्म का अर्थ है जो कर्तव्य कर्म होते हैं जो निश्चित कर्म होते हैं जो एक व्यक्ति को करने चाहिए हर व्यक्ति का धार्मिक होना मतलब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है जब एक किसान खेत में काम कर रहा है वो अपने धर्म का पालन कर रहा है एक व्यापारी व्यापार करके अपने व्यापार अपने धर्म का पालन कर रहा है एक अध्यापक पढ़ाई पढ़ा करके अपने धर्म का पालन कर रहा है एक छात्र पढ़ करके अपने धर्म का पालन कर रहा है एक योगी योग सिखा करके अपने धर्म का पालन कर रहा है कोई भी ब्यूरोक्रेसी है राजनेता है जितने भी लोग हैं सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं यदि वो निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक है तो धर्म का अर्थ पंथ से नहीं है तो धर्म के अर्थ को हमने बहुत संकीर्ण बना दिया है तो धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है ना कि बहुत संकीर्ण तो पंथ अलग है मजहब अलग है और धर्म बिल्कुल अलग है धर्म प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है माँ के प्रति माता पिता के प्रति अलग उसकी का कर्तव्य बनता है पत्नी के प्रति अलग कर्तव्य बनता है बच्चे के प्रति अलग कर्तव्य बनता है दोस्तों के प्रति अलग कर्तव्य बनता है समाज के प्रति अलग कर्तव्य बनता है मतलब सबके प्रति उसका कर्तव्य अलग अलग हो जाता है जैसी उसकी भूमिका होती है जैसा उसका डेजिग्नेशन होता है जैसा उसका किसी के साथ रिलेशन होता है उसका संबंध होता है वैसा ही उसका कर्तव्य बन जाता है तो उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उसमें सामंजस्य बिठा करके रखना चाहिए उसमें तालमेल बना करके रखना चाहिए तो ऐसा राज्य जहां पे सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हो ऐसे स्थान पे हमें योग का अभ्यास या कहीं प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है या ऐसा देश या ऐसा राज्य यहाँ पे कानून व्यवस्था सही हो ऐसे में हमें करना उसका अभ्यास शुरू करना चाहिए तीसरा कहा कि जहाँ आसानी से भिक्षा मिल सके अब कहेंगे कि भिक्षा क्यों चाहिए हमें ये जो शब्द यूज हुआ भिक्षा आसानी से मिल सके योग प्राय जब हम देखें तो दसवीं शताब्दी से जब हठियो का उत्कर्ष समय रहा तो उस समय से जो हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी रहे उसके बाद गैवी चरपटी नाथ जितने भी नाथ संप्रदाय के ऋषि आए तो इनका काम क्या था इनका काम था योग की शिक्षा देना और भिक्षा में जो प्राप्त हो जाए माने जो खाने के लिए भिक्षा मांगते थे कि जैसे कहते हैं भिक्षाम दे ही कि भिक्षा दीजिए तो जो भी व्यक्ति अपने घर से कुछ चावल कुछ दाल कुछ कुछ भी जो खाने का जो आहार जो होता था वो उसको देता था और उसी आहार को खा करके वो काम चलाते थे तो उनका कोई फीस नहीं होती थी आज हम प्रोफेशनल हो चुके हैं हम क्लास लेने जाते हैं किसी को पढ़ाते हैं योग या हमारे सेंटर पे कोई योग सीखने आता है या किसी इंस्टीट्यूट में योग सीखने आता है किसी आश्रम में योग सीखने आता है उसकी पर्टिकुलर एक फ़ीस हम रखते हैं कि ये आप फीस पे करिए आपको एक महीने का तीन महीने का छः महीने का सर्टिफिकेट कोर्स हम कराएंगे या आपको प्रैक्टिकल क्लास हर एक घंटा हम क्लास देंगे इसका इतनी फीस है तो ये वाली जो लाइन है जहाँ आसानी से भिक्षा मिल सके इसको हम वर्तमान में कैसे देख सकते हैं इसको वर्तमान में देख सकते हैं कि जहाँ लोगों की पेइंग कैपेसिटी हो जहाँ लोग आसानी से आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के बिना किसी झिकझिक आसानी से आपकी क्लास के पैसे दे सके जैसे एक टर्म यूज होता है जब नए नए स्टूडेंट जो आते हैं और योग में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं योग सिखाने के लिए क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं बहुत जो संपन्न लोग जो हैं वो रहते हैं शहरों में या ब्यूरोक्रेसी रहती है या जो पॉलिटिशियन रहते हैं उनको बहुत सारे योग की आवश्यकता होती है टेंशन होती है डिप्रेशन होता है बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिजीज जो होती हैं उनको उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी ठीक नहीं होती रात में ज़्यादा काम करना पड़ता है दिन में कम करना पड़ता है सो रहे हैं कॉफ़ी पी रहे हैं खाना वीना अस्त व्यस्त है तो उन लोगों को योग की ज़्यादा ज़रूरत है तो जो शुरुआती दौर में योग शिक्षक आते हैं शहरों में तो वो एक टर्म यूज करते हैं कि कहा आप योग सिखा रहे हैं तो उसने कहा कि मैं अपने जिले में योग सिखा रहा हूँ तो फिर कहते हैं आप कहा सिखा रहे हैं कहें कि मैं दिल्ली योग सिखा रहा हूँ मैं मुंबई में सिखा रहा हूँ मैं गुड़गांव सिखा रहा हूँ मैं बेंगलोर में सिखा रहा हूँ तो कहेंगे हाँ वहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी है हमारे जिले में या हमारे शहर में लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है पेइंग कैपेसिटी का मतलब यानी कि कि उनका देने की कि उनकी औकात नहीं है या उनकी देने की क्षमता नहीं वो नहीं है उनका पेइंग कैपेसिटी का मतलब है वो हेल्थ के प्रति अवेयर हैं ऑलरेडी वो बहुत कम बीमार हैं बहुत कम उनकी लाइफ खराब है लेकिन शे, बड़े शहरों में ये मात्रा जो है ज्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे पैसा ज्यादा कमाया जाता है छोटे शहरों में गाँव में पैसा थोड़ा सा कम कमाई होती है तो जो ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा दे सकते हैं आसानी से तो एक योग टीचर को एक योग अध्यापक को ठीक ठाक जो सैलरी है ठीक ठाक जो मेहनताना है उसका वो आसानी से मिल जाता है तो यहाँ भिक्षा नहीं क्योंकि सोलवी सत्रहवीं शताब्दी नहीं है इक्कीसवीं शताब्दी में हम हैं तो इक्कीसवीं शताब्दी में ये योग को पूरा प्रोफेशनल बन चुका है तो वहाँ था कि कुछ उन्होंने आश्रम नहीं बनाना उन्होंने आश्रम बनाना तो वहाँ योग सिखाना तो लोग आसानी से उनके खाने पीने की वस्तु लेके आते तो धन वगैरह वो लेते नहीं थे तो इसलिए भिक्षा लेते थे तो इस बात को वेरीफाई करना जरूरी कि जो भिक्षा का अर्थ है कि आपके जीवन यापन की जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए आपको कपड़ा भिक्षा में मिल जाए आपको खाना भिक्षा में मिल जाए आपको सोने के लिए जगह मिल जाए कि आप यहाँ रुक जाइए क्योंकि जैसे पहले जो प्रचारक थे तो योग के प्रचारक जैसे हम कहें कि महर्षि गुरु गोरक्षनाथ जी जो थे योग के सबसे बड़े नेता योग के सबसे बड़े प्रचारक वो रहे हठ योग के जब माने कहें उनसे बड़ा हठ योग का कोई भी प्रचारक या कोई भी नेता नहीं रहा जिन्होंने घूम घूम करके पूरे भारत में योग का प्रचार प्रसार किया वो भिक्षा से ही काम चलाते थे लेकिन आज हम भिक्षा नहीं लेते हम हर किसी के घर मांगने नहीं जाएंगे कि मुझे रोटी दीजिए मुझे सब्ज़ी दीजिए मुझे रहने के लिए जगह दीजिए मुझे पहनने के लिए वस्त्र दीजिए ऐसा नहीं है लेकिन यह है कि जहाँ पे आसानी से आपकी फ़ीस मिल जाए आप क्योंकि जो योग टीचर है वो प्रोफेशनल है तो उसका तो प्रोफेशन भी यही है पैशन भी यही है उसको तो फीस चाहिएगी तो जहाँ पर लोग आसानी से आपकी जो फीस है वो पे कर सके ऐसी जगह पे आपको योग का अभ्यास करवाना चाहिए करना चाहिए जहाँ पे लोग साधन संपन्न हों ऐसे इसका मतलब ये है उसके बाद का कि उपद्रवों से रहित स्थान होना चाहिए उपद्रवों यानी कि जितने भी हिंसात्मक आंदोलन होते हैं या ऐसे उपद्रव होते हैं जिसमें जान माल का नुकसान होता है जैसे किसी भी देश में देखें आप यूरोपियन देश में देखें अमेरिका में देखें भारत में देखें एशिया में देखें कहीं पर भी देखें तो हमें प्रोटेस्ट की खबरें बहुत सुनने को मिलती हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट बहुत सारे जो प्रोटेस्ट होते हैं या हम कहें कि आंदोलन होते हैं वो बहुत शांति प्रिय होते हैं शांति प्रिय होते लेकिन कई बार हम देखते हैं कि विश्व में अलग अलग जगह पर के बहुत सारे उपद्रव ऐसे होते हैं जिसमें भीड़ या तो किसी का जान का नुकसान कर देती है माल का नुकसान कर देती है तोड़फोड़ होती है आगजनी होती है कोई किसी चीज को जला रहा है कोई किसी को तोड़ रहा है तो ऐसी घटनाएं आप विश्व के स्तर पर देखेंगे तो बहुत आपको देखने को मिलेंगी तो ऐसा स्थान होना चाहिए जिस जहाँ पे इस प्रकार के उपद्रव ना हो यानी कि शांत स्थान होना चाहिए वहां पे लोग हिंसक और उग्र ना हो ऐसी जगह पे हमें योग का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए तो चार उसके लिए मानक तय किए महर्षि घेड़ ने सुंदर व मनमोहक स्थान हो धार्मिक राज्य हो जहाँ सब लोग कर्तव्य कर्म का पालन करते हो जहाँ आसानी से भिक्षा मिल सके माने जहाँ पे आप अभ्यास करें तो लोगों को सिखाएंगे भी सिखाएंगे तो आपको आमदनी का एक जरिया चाहिए वो भी आपका आसानी से पूरा हो सके और वहाँ पे किसी प्रकार का उपद्रव ना हो या कहें कि हिंसक आंदोलन ना हो किसी प्रकार का उग्रवाद ना हो किसी प्रकार का अन्य जो हिंसात्मक जो चीज़ें होती हैं वो ना हो क्योंकि योग तो अहिंसा में विश्वास रखता है और पूरी रूप से अहिंसा का पालन ही हम सब व्यक्तियों को करना चाहिए तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे उपद्रव से या किसी प्रकार की हिंसा से कोई समाधान कभी नहीं निकलता है हिंसा हमेशा ही हमेशा रक्तरंजित होती है और उससे नुकसान ही होता है इसलिए योग कहता है कि हमें हमेशा ही अहिंसा का पालन करना चाहिए इसीलिए आप देखेंगे कि योग में किसी भी योग परंपरा की आप बात करें सबसे पहले अहिंसा का वर्णन आता है जब तक आप अहिंसक नहीं होंगे जब तक आप अहिंसक नहीं होंगे तब तक आप योग में प्रणीत नहीं हो सकते योग में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकते इसलिए प्राणायाम के लिए उपयुक्त स्थानों में उपद्रव से रहित यानी कि हिंसा से रहित स्थान होना अति आवश्यक है ये यहाँ पे कहा गया प्राणायाम के लिए इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसा जो स्थान मिल गया हमें वहाँ पर कुटिया कैसी होनी चाहिए उस कुटिया के लक्षण बताए गए हैं तो उस कुटिया के लक्षणों को की हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा स्थान है जो मनमोहक है सुंदर है धार्मिक राज्य है है भिक्षा आसानी से मिल सकती है, और उपद्रों से भी रहित है तो वहाँ पे जो कुटिया है देखिए अब सत्रहवीं शताब्दी सोलहवीं शताब्दी की बात है अब कुटिया ही नहीं बन सकती अब तो फ्लैट बनते हैं या घर बनते हैं या पूरा अपार्टमेंट आपको मिलता है जहां भी आप रहते हैं बड़े बड़े शहरों में यदि कुटिया बनानी है तो वो कुटिया आप जंगल में बना सकते हैं गंगा के किनारे बना सकते हैं या और कहीं जहाँ पे आप रहते हैं जिस नदी के पास है जहां भी आप रहते हैं वहां बना सकते हैं तो कुटिया के लक्षण कैसे होने चाहिए बड़े इंटरेस्टिंग है जहां पे भी आप कुटिया बनाएं जंगल में जाके आप बना सकते हैं जहां भी आप बनाएं उसके कुछ पैमाने यहाँ पे हैं कि भूमि समतल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ है या ऊंच नीच पे आप नहीं बनाएंगे तो ऊंचाई नीचाई होगी या ढलान होगी वो जगह उपयुक्त नहीं है इसलिए समतल भूमि होनी चाहिए जहां पे कुटिया बने जहां पे आप रहेंगे जहां पे आप सोएंगे जहां पे आप साधना करेंगे वो स्थान कम से कम आपका समतल होना चाहिए उस पर किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की ढलान नहीं होनी चाहिए तो पहली पहला क्राइटेरिया है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं होता तो छोटा पहाड़ी एरिया में भी जाएंगे या किसी जंगल में भी जाएंगे नदी के किनारे भी जाएंगे तो ऐसा समतल एरिया मिल जाएगा जो 10-15 फीट आपका समतल हो बाकी चाहे उबड़ खाबड़ भी हो लेकिन इतना एरिया आपका समतल होना जरूरी है जहाँ पे आप निवास करें जहाँ के आसपास कुआ व तालाब हो क्योंकि पानी का स्त्रो चाहिएगा आपको पानी का तो चाहिए है तो कुआ हो या तालाब हो आजकल कुआ तालाब नहीं है तो आपके पास हैडपंप जो नल है जिससे हम जो कहते हैं वो हो क्योंकि उसका अल्टरनेट है कुए व तालाब का कुएं सब जगह नहीं होते तालाब सब जगह नहीं होते तालाबों में आजकल गंदगी हो गई है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया तो हैडपंप कम से कम हो ये हम निश्चित कर सकते हैं क्योंकि अभी 21वीं शताब्दी में तो कुछ चीजों को में मॉडिफाई करना पड़ेगा उसके बाद सभी प्रकार के कीट पतंगों से रहित हो वो जो आपका रहने का स्थान है वहाँ पे सांप बिच्छू नेवला किसी प्रकार के जो जीव जंतु हैं जो काट सकते हैं इस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो कीट पतंगों से रहित होना चाहिए मतलब साफ सुथरा होना चाहिए वहां पे कीट पतंगों का आना जाना ना हो ऐसा सुरक्षित स्थान होना चाहिए तो जो स्थान है वो कीट पतंगों से रहित होना चाहिए की भीड़ एकांत वो गोबर से लिपी हुई उस टाइम पे मार्बल यूज नहीं होता था आज तो मार्बल यूज होता है लेकिन मार्बल में वो बात नहीं है जो कच्चे जो मिट्टी से बनती है मिट्टी के बाद मिट्टी मिट्टी और गोबर को मिला करके जो लेप हम बनाते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है और हम एक प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो इसलिए गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए और चार दीवारी से युक्त तो होनी चाहिए मान लीजिए आपने कुटिया तो बना ली लेकिन उसके चारों तरफ एक चार दीवारी होनी चाहिए ऐसी चार दीवारी होनी चाहिए जिससे कोई भी जंगली जानवर कूद करके आपकी आपके पास ना आ सके तो इतनी हाइट तो होनी चाहिए कि सात आठ फीट आपकी हाइट होनी चाहिए चार दीवारी की जहां से कोई भी जानवर कूद करके जैसे हिंसक है आप बाहर रह रहे हैं जंगल में तो कोई भी शेर है चीता है या गुलदार है कोई भी दीवार फांद के आए तो वो नुकसान कर सकता है तो इसलिए आपकी कुटिया के लक्षण ये होने चाहिए तो कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का अभ्यास करता है तो उसकी कुटिया में समतल पानी का सोर्स हो कीट पतंगों से रही तो एकांत हो गोबर से लिपि हो चार दीवारी से युक्त हो इन सब बातों के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबको नमस्ते